करना बोलेगी? सब्सक्राइब माय जीजू चैनल एंड प्लीज लाइक। हाँ, और प्लीज अस शेयर। हाँ, और कमेंट कौन करेगा तुम्हारी ये मासूमियत के लिए? तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं निहारिका लोग के आम के बगीचे में। तो अभी तो फिलहाल इधर जो पेड़ हैं उनमें तो आम लगे नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे आम देखने के लिए, आगे वाले आगे उसमें। तो वहीं हम आम भी खाएंगे, मीठे मीठे शायद पके हों। तो अभी इनको खुद भी नहीं मालूम क्योंकि इनके जो ये होते हैं सब ठेके में उड़ जाते हैं ना। तो ये सब अभी मैं दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा है, पीछे से आप देख ही रहे हो। तो आप देखो ये सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं दूर दूर तक। इसमें देखो आम तो लगे नहीं अभी इन पेड़ों में, शायद इन पेड़ों के टूट चुके हैं, आम आए होंगे और क्या बोलते हैं वो टूट चुके होंगे ना यार, क्योंकि रोड के पास है ना, इसलिए रोड के पास है। सब आम के बगीचे इतने बड़े बड़े होते हैं तो इनको ठेके में दिया जाता है यहाँ पे, बस आपको आपके खाने के हिसाब से वापस देते हैं ठेकेदार, लेकिन बाकी सब कुछ वो खुद लेके जाते हैं। तो हम कर रहे हैं एक्सप्लोर आज इस आम के बगीचे को, देखते हैं यहाँ कितने आम लगे हैं। अगर दाल का पका हुआ आम खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है, ये देखो लीची के पूरे बगीचे से ये लीची पूरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि लीची का सीजन चला गया। लीची का क्या होता है कि लीची एकदम से जैसे हरी हो जाती है एकदम से पकती है तो सारी एक साथ ही पक जाती है, तो लीची एकदम से ख़त्म होने वाला वो है। तो ये देखिए पूरा चारों ओर देखो आप कितने आम के बगीचे हैं, हम लोग खरीदते हैं और ये लोग फ्री में खाते हैं। देखो यहाँ पे मस्त करके उन्होंने खाए, मेहनत भी की है उस टाइम पे, उनके पूर्वजों ने मेहनत की है इतने पेड़ और इतने बगीचे लगाए हुए हैं इसलिए। देखो आप साथ साथ में यहाँ पे नाशपाती है, ये नाशपाती हमारे पहाड़ों में भी होता है उत्तराखंड में, और इसके पेड़ तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हैं। तो आप देखिए ये नाशपाती पूरी लगी हुई है यहाँ पे, ये नाशपाती पूरे उसमें लगी हुई है। ये एक मतलब ये जंगली टाइप का सेब ही हुआ समझ लो आप, इसका स्वाद थोड़ा बहुत वैसे ही होता है। तो आप देखो ये है, देखो जैकफ्रूट का पेड़ है, इसमें लगे हैं देखो जैकफ्रूट, ऊपर तक पूरे जैकफ्रूट लगे हुए हैं ये। अब हम लोग जब इसे खरीदते हैं तो ये बहुत महंगा होता है ये। तो इस बगीचे के साथ साथ यहाँ पर है एक झील, इस झील में है काफ़ी मछलियाँ। एक्चुअली क्या है ना आम के बहुत सारे छिक्कल यहाँ पड़े हुए हैं, तो बार बार ऐसा बोल दिया नीचे देखो क्योंकि एक बार ही फिसल के नीचे गिर गई है। मैं आपसे नहीं बोलूंगी, ऐसे मेरी बेइज्जती को कर दी है इसने। है बात करके अभी तो तुम्हारे एला और उसकी कहानी नानी ना, एला और एला एक थी, एक एला और एक प्राची, तो वो वाली कहानी बाद में बनाएंगे ठीक है। तो हम वो उधर वाले आम के बगीचे के सामने आप देख रहे हो, उधर वाले आम के बगीचे में थे उधर सामने में। अभी यहाँ पे देखो पूरे धान लगाए हुए और इस साइड है गन्ने के खेत। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत गांव, देखो आप चारों ओर का लैंडस्केप देख लो आप ऐसे, ये खूबसूरत सामने बादल हैं और नीचे हैं बहुत पेड़ और चारों ओर खेत हैं और यह गन्ने के पेड़। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं उस वाले बगीचे में, आम बहुत कम थे, मतलब कम क्या कच्चे हैं, चौसा आम जो है बाकी दशहरी वहाँ ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले बगीचे में। कितना किलोमीटर है अभी हो है? एक किलोमीटर। तो हमको करीब एक किलोमीटर ऐसी है इसी रास्ते में ऐसे पैदल चलना है उस वाले बगीचे तक। ये बोल रहे कि उधर आम पके हुए हैं तो उधर जाके आम खाएंगे। आगे देखो, आगे। मैं वीडियो बना रहा था तो बोलिए आगे देखो आगे, क्योंकि इसको अभी रात के टाइम में ऐसे डर लगता है ना, इसे मतलब थोड़ी बोलती है, मैं हॉरर पिक्चर देखती हूँ और अभी बोलिए अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम रोएंगे। अंधेरा बोल रहे हैं? हाँ, झूठ नहीं बोला, अभी तुमने बोला नहीं यहाँ पे। रात में 10-11 बजे तक कंचनावन नहीं, बहुत देखिए रात में देखिए
और बहुत सारी हॉरर मूवी देखी हैं और हॉरर सीरियल भी देखी हैं। अच्छा, तो चलते चलते होगी हालत खस्ती। पहाड़ों में चलना जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का है, और यहाँ जो चलना है पैदल पैदल रहते, इसमें ताकत तो लगी नहीं लगती और वर्क भी नहीं होता, लेकिन क्या है कि गर्मी इतनी है। देखो ना आप वहाँ सामने प्रचंड देवता, अभी तक बारिश हो रही थी, हम लोगों का थोड़े बादल छाए तो आ जाते हैं, रहता है धूप आ गई गन्ने की तरह के। तो इनका आम का जो दूसरा बगीचा है वो उधर है, उधर वाले में ख़त्म हो गए बोल रहे थे, इधर वाले में लगे हुए हैं। खैर यहाँ से दिखाई भी दे रहे हैं लगे हुए आम, तो हम लोग फिलहाल वो उधर वाले बगीचे में जा रहे हैं, ये वाले में सामने। तो देखो इसमें लगे हुए आम, ये शायद चौसा है, ये आम जो लगा हुआ है चौसा है पूरा। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew that. जो डाल का पका आम होता है ना, देखो ऐसे, ये जो डाल का पका आम है और ये ऐसे गिर जाते हैं, देखो ये है ना, जैसे ये गिरा हुआ देखो नीचे, तो इनको ऐसे उठाना पड़ता है ऐसे। तो मैं सोचा था कि मेरे को कैसे आम मिल लें इतने सारे गिरे हुए, तो ये बोले ये जो आम है ना वो डाल का पका हुआ है। अभी ये हल्का का टाइट है, लेकिन वो भारी हो गया तो हल्का पीला हो रहा है, ये दो तीन दिन में घर पे ऐसे रख के पक जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे बादलों के बीच में काली सी रेखा टाइप की, ये तो यहाँ से दिख रहे हैं पहाड़, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए। अभी ये एरिया शायद चंपावत का हो, लोहाघाट का हो, क्योंकि अब ये पीलीभीत वाला एरिया शायद चंपावत से लगता हुआ आता है। हम वही तो बता रहे हैं। तो ये देखो इतने सारे आम पके हुए मिले हमको। तो देखो अब वहाँ पर हो रहा सूर्यास्त, और इस पेड़ के पीछे सूर्यास्त बहुत अच्छा लग रहा है। पिंक स्काई नहीं है, उसे बोलते हैं क्या, विंटर लाइन, क्या बोलते हैं, विंटर लाइन। देखिए सो आम खाने के लालच में हमारे बहुत दूर से वापस जाना है, बहुत दूर। तो ये है, हम लोग ऐसे पैदल पैदल आ गए थे, अगर बाइक से लेके आते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन हमने कहा चलो इवनिंग वॉक भी जाएगा, थोड़ा नेचर से हमारा क्या ताल्लुकात भी जाएगा। तो यूपी के गांव मैंने बहुत कम देखे हुए, तो यहाँ के गांव भी देख के थोड़ा मज़ा आ रहा है। हर चीज़ को हमने भेज दिया है किसी के साथ बाइक में, क्योंकि जो हमने आम लिए थे ना करीब, हमने कुछ आम लिए थे उसमें कैरेट में, हम लोग उस बगिया से आम लेके आए थे, तो वो बाइक के साथ उसके में चला गया। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग, ये आम के बगीचे वाला। कल का जो इंटरेस्टिंग रहेगा वो पता नहीं क्या रहेगा, वो देखते रहेंगे। मिलते हैं फिर से आदि ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड इन माय यूट्यूब चैनल। और प्राची क्या बोलेगी, सब्सक्राइब करना बोलेगी, सब्सक्राइब माय जीजू चैनल एंड प्लीज लाइक। हाँ, प्लीज शेयर, हाँ, और कमेंट कौन करेगा तुम्हारी ये मासूमियत के लिए, करेगा ना कोई कमेंट, पता नहीं। अच्छा, तो मिलते हैं फिर से, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।